हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजदीप कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको भी पता है कि यूपी कैडेट का रिजल्ट आ चुका है, उसमें बहुत सारे बच्चे संस्था से सिलेक्शन पा चुके हैं या कह सकते हैं क्वालिफाई हैं, क्योंकि एकलव्य में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्टेट होते हैं, अन्य राज्यों के होते हैं, क्योंकि गत वर्ष जो बैच हमारा उभर हुआ है उसमें 6 राज्यों के बच्चे पढ़ रहे थे। तो इसमें से जो रिजल्ट अभी हमको मिला है, चूंकि ये स्टेट का है, था यूपी स्टेट का, इसमें सारे बच्चे वही जो है सम्मिलित हुए थे जो उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। तो उनमें से जो रिजल्ट की बात बच्चे बार बार हमसे पूछ रहे हैं, सर रिजल्ट कितना आया, तो अभी तक जो मुझे 600 के अंदर के रैंक के जो बच्चों का मुझे वो मिला, मेरे पास तक आया, वो 58 बच्चे हैं। 58 बच्चों का सूचना मुझे मिल चुका है जिनका रैंक 600 के अंदर में है। तो ये एक रैंक रहा। अब इसको अगर हम सारे बच्चे ओपन एग्जाम होता तो क्या रैंक होती, ये आप सोच सकते हैं। या अब जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो अपने स्टेट में दे दिए, क्या उनका आएगा, समय आने पर चीजें पता चलेगी। मकसद से यहां से ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये था क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे थे। अब यहां पर हम एक नई चीज को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, आपको एक नई चीज से हम अवगत कराते चलेंगे अब, क्योंकि जब बच्चा ग्रेजुएशन का एग्जाम दे देता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में उसकी एडमिशन हो जाती है, तो अब उसके पास दो चीजें होती है। एक तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा को पूर्ण करता है, और उसी दौर में वो अपने आप को ये भी सोचता है कि हमारी शिक्षा में थोड़ी सी ऐसी डाइवर्सिफाई हो ताकि हम अपने सब्जेक्ट के अलावा अन्य विषयों पर भी ध्यान दें, ताकि आने वाले किसी भी कंपटीशन में अपने आप को सफलता की तरफ बढ़ सके। तो हमारे पास भी इसके भी सारे कॉल आते हैं आप सभी को। तो चूंकि मैं जीएस भी पढ़ाता रहता हूं, तो अब एक बिंदु मैं आपके साथ ये भी जोड़ूंगा कि समय समय पर आपको जीएस भी मैं आपको पढ़ाता रहूं। इसको ऑफलाइन क्लास में भी हम लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास को हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, बच्चे कहीं भी हो वो अपने आप को लाभान्वित होते रहे। तो यहां पर हम आपको एक भारत का एक आरेख प्रारूप, इसकी भौतिकी का एक आकलन करेंगे और ये जानेंगे कि भारत क्या है, भारत की भौतिक स्थिति क्या है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसके बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी करेंगे। और यहीं से हम शुरुआत करेंगे आपके जीएस की। तो चूंकि ये जीएस कोई इसको इस रूप में ना देखिएगा कि हम एग्रीकल्चर से हैं तो क्या होगा, कोई सब्जेक्ट हो, क्योंकि वो हिंदुस्तान का है तो उसको हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में जानने का पूरा आवश्यकता है, और उसको जाने और हम आपकी उस आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए हम उसको शुरू करेंगे और आपको वहां से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तो आइए देखते हैं भारत का परिदृश्य, या आप अगर कहीं पे अगर देखें तो लिखा मिलेगा आपको, कहा जाएगा भारत एक नजर में, इंडिया एट ए ग्लांस। इंग्लिश में अगर उसको देखे जाए तो कहा जाता है इंडिया एट ए ग्लांस, या कहीं कहीं पर आपको मिलेगा सिनेरियो ऑफ इंडिया, भारत का परिदृश्य। तो अब जब भारत के परिदृश्य की बात की जाती है तो हमें यह देखना है कि भारत कहां से शुरू होता है। तो जब भारत के शुरुआत की बात हम लोग करते हैं तो हमें सबसे पहले यह देखना होता है आखिर भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। तो शुरुआत यही से होगी कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो जो भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल की बात जो की जाती है तो उसमें आपको भी पता है जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखिएगा, किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, अब इससे हमें यह नहीं पता चाहिए, तो पता चला है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है, लेकिन इस पृथ्वी पर कहां पर है, कैसे है, इसका हमें कोई आकलन नहीं होता है। तो इसके लिए हमें यह भी देखना होगा आखिर यह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर कहां पर है। तो अगर इसका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर देखना है तो थोड़ा सा मैं आपको एक आरेख के माध्यम से बताना चाहूंगा, क्योंकि हमें भी पता है पृथ्वी लगभग गोल है, जीवाइड आकार की होती है, लगभग गोल है, कहीं पर नहीं लिखा होगा गोल है। तो अगर इसको आप देखिए कि जीवाइड के आकार की होती है, तो इसी के जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है उस रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या
विषुवत रेखा या जीरो लाइन, तो इसको इस नाम से, इसका अब इसके इस मध्य रेखा के इधर के भूभाग को कहते हैं नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये उत्तर का भाग और ये दक्षिण का भाग होता है। तो ये पृथ्वी का ये दो भागों में बांटता है और एक रेखा ऐसे आपको मिलती है जिसको कहते हैं शून्य अंश देशांतर रेखा, इसको कहते हैं शून्य अंश देशांतर रेखा। ये पृथ्वी को पूरब से पश्चिम, यह पृथ्वी को पूरब से पश्चिम दो भागों में बांटती है और यह रेखा पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण के दो भागों में बांटती है। तो हमें यह देखना है कि हमारा ये क्षेत्र का है, तो इसमें अब आपको इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको आप देखिए क्योंकि इस भौगोलिक क्षेत्र को देखने के लिए ये लिखा मिलेगा आपको कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार तो जो भारत का आपका अक्षांशीय विस्तार है, देखिए अक्षांश लिख रहा है देशांतर नहीं, तो जो आपका अक्षांशीय विस्तार है वो आपका कितना है, इसको कितना है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। तो ये आपका क्या है, यहां पर लिखा जाता है उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश यहां पर आप लिखेंगे, ये आपका भारत का क्या है उत्तरी बिंदु का वो। ठीक, उसके बाद यहीं पर लिखा जाता है भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। तो जब आप देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो यहां पर आपको लिखा मिलेगा 68 अंश 6 इंच से 97 अंश 25 मिनट, इंच या मिनट। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर, यहां पर आपको लिखा मिलेगा पूर्वी देशांतर। तो ये आपका, अब इसका मतलब है ये जो हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है वो इन्हीं अक्षांश और देशांतर के मध्य में स्थित है। इसका मतलब ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है और ये पृथ्वी को पूरब से पश्चिम बांट रही है, ये उत्तर से दक्षिण भाग रही है। इसका मतलब इसके, क्योंकि इधर ये दक्षिणी वाला है चूंकि यहां पर लिखा उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब यहां पर भारत का जो स्थिति है उसका मतलब इस वाले हेमिस्फीयर में है, यहां पर है। अब यही चीजें हैं, अब इसको और समझ, अगर समझना है तो इसको आगे हम लोग देखते हैं कि अगर ये देखे तो फिर इसको यही छोड़िए, थोड़ा सा आगे आकर के अभी हम पुनः आपको दूसरा बताएंगे। तो अब इसको हमें ये देखना है कि ये जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, अगर इसको देखे कि दुनिया में, क्योंकि भारत का एक अपना स्थान है, अगर देखा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान, क्षेत्रफल के आधार पर, आधार पर भारत का विश्व में स्थान, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में स्थान अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये कितना होगा, ये आपका 7वां है। ठीक है, इसका मतलब 6 बड़े देश भारत की भूभाग के आधार पर अगर देखें तो उससे बड़े हैं। तो अब वो 6 देशों को हमें यह भी जान लेना चाहिए कि आखिर वो 6 देश कौन से हैं। अगर उन 6 देशों का नाम अगर आप जानना चाहें तो क्रम से अगर देखेंगे तो सबसे पहले आपका है रूस, उसके बाद है आपका कनाडा, उसके बाद है आपका चीन, उसके बाद है आपका अमेरिका, उसके बाद आपका है ब्राजील और उसके बाद है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो भारत से ये 6 बड़े देश हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं रूस पहले स्थान पर, दूसरे पर आपका कनाडा है, तीसरे पर आपका चीन है, चौथे पर आपका अमेरिका है, पांचवें पर आपका ब्राजील है और छठवें पर आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो यहां पर एक चीज आपको करना होगा कि आपको अगर देखे रुचू की जीएस रटी नहीं जाती समझी जाती है, तो समझने के लिए क्या है, अब आप एक काम करिएगा, इनके सबकी राजधानी क्या है, इनके सबकी मुद्रा क्या है, इसके बारे में आप जो है देखेंगे और हमें कमेंट के माध्यम से इसको अवगत कराएंगे। तो इसको आप देखें, अब यह आ गया। ठीक है,
अब इसी को, जब चूंकि छठवां है तो हमें एक चीज और देखना चाहिए, अगर पूरी दुनिया के भूभाग को हम 100% मांग रहे, क्योंकि दुनिया की हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो उस 100% में भारत का कितना हिस्सा है? तो अगर देखें विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा की अगर बात करेंगे तो कितना होगा? 2.42%। ठीक है, तो हमारे पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र कितना भूभाग है? 2.42% है। ठीक है, अब इसके आगे अगर आप देख रहे हैं तो चूंकि वहां तक देख लिया, अब हमें यह देखना है भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो हमें इसको रटना नहीं है, हमें इसको ऐसे ही याद कर लेना। तो जब आप पूरा भारत का पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के विस्तार की बात करता है तो यहां पर कुछ नहीं, आप करिए एक आरेख बना लीजिए और यहीं पर इस बात को आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, तो यहां पर देखना है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो इसको आप पूरा कर दीजिए यहीं पर इस आरेख के माध्यम से। तो यहां से आपको ये चीजें मिल जाएंगी, ठीक है, क्योंकि भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई ये होगी, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो आपकी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर ये है। और अगर आपको ये पूछे कि भारत की पूर्व या उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर, ये इसी बनाइएगा क्योंकि आपको यहां से पता चलेगा। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज और मैं यहीं पर आपको बता देना चाह रहा हूं, क्योंकि उस हमने पहले लिखा है भारत का उत्तर से या अक्षांशी विस्तार जो है, क्योंकि अक्षांशी विस्तार पूरब से पश्चिम होता है, ठीक है, इसका मतलब अक्षांशी विस्तार यहां से शुरू होकर के कहां तक जाएगा? यहां तक। इसका मतलब जो हमारा ये देशांतरी विस्तार यहां से जो आपका जाएगा तो यहां से होगा 68.07' से 97.25' तो ये पूर्व से पश्चिम का विस्तार कहां से शुरू होगा? पश्चिमी विस्तार कहां से शुरू होगा? 68.07' से शुरू होकर के कहां तक आएगा? 97.25' तक आएगा। ये जो लिखा है ये वही है, ठीक। अब आपको अगर पूर्व से उत्तर से दक्षिण की देखेंगे तो ध्यान रखिएगा जो आपका 8.04' से लेकर के और 37.06' का जो लिखा है वो ये है। इसका मतलब 37.06' यहां पर है, 8.04' यहां पर है, ये जो आपका वो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है वो यही है। तो यही के आधार पर आप ये भी लिख सकते हैं कि अब अगर ये आपसे पूछा जाए कि भारत का उत्तरी बिंदु कहां पर होगा, तो वो कहां पर होगा? 37.6' पर ही होगा। तो जो 37.6' पर वो नाम लिखा गया है वो क्या है? इंदिरा गॉल। ठीक है, वो 37.6' पर क्या लिखा गया है? इंदिरा गॉल है। तो यहां 8.04' पर क्या है? 8.04' पर क्या है? यहां 8.04' पर है आपका कन्याकुमारी। दोस्तों यहां पर मैं कन्याकुमारी की बात कर रहा हूं, जबकि आपको पता है कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो वो क्या है? अभी उसको मैं कर रहा हूं, चूंकि ये वो सीमा की बात की जा रही है जहां से भौगोलिक सीमा मतलब असली सीमा की जहां से शुरुआत होती है और जहां तक उसका अंतिम सिरा होता है, ये भी जहां से पश्चिमी सिरा की शुरुआत हो रही है और जहां तक हमारा पूर्व तक हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है, तो चूंकि जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो इधर है, नीचे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ठीक है, ग्रेट निकोबार में है, और वो जो ग्रेट निकोबार में जो आपका इंदिरा पॉइंट है या पिग्मेलियन पॉइंट,
इंदिरा पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट और ग्रेट निकोबार में है। ये वास्तव में अगर आपसे कभी पूछे कि इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट या भारत का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पे स्थित है, तो इस अक्षांश का जो है वो 6 अंश 4 मिनट होता है दोस्तों। वो क्या है, 6 अंश 4 मिनट पर होता है। इसलिए कभी बार बार कभी ये बार नया क्वेश्चन है तो बार बार पूछा जाता है। लेकिन अब इसको थोड़ा सा आप एडवांस रूप में जाने कि इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर स्थित है। अगर ये पूछा जाएगा इंदिरा पॉइंट किस अक्षांश पर, तो 6 अंश 4 मिनट पर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि कन्याकुमारी किस अक्षांश पर स्थित है, तो वो किस पर है, 8 अंश 4 मिनट पर है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंदिरा कॉल कहां पर स्थित है या 37 अंश 6 मिनट पर उत्तरी बिंदु है कि दक्षिणी बिंदु है कि पूर्वी है कि पश्चिमी है, तो कौन सा होगा, इंदिरा कॉल होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए इधर का, तो 68 अंश 7 मिनट पर कौन सा आपका जो है बिंदु, ये हमारा सबसे पश्चिम का बिंदु होगा। और हमारा सबसे जो पश्चिम का बिंदु है इसका नाम है आपका गौहर मोता। कहीं पर आपको दोस्तों गौहर मोता मिलेगा या कहीं पर आपको मिलेगा सर क्रीक, कहीं पर आपको मिल सकता है गौहर मोता सर क्रीक। ठीक है, और यहां पर अगर इसी चीज को देखिए गौहर मोता सर क्रीक, ठीक है, या राहगीर, सॉरी राहगीर भी कहते हैं, राहगीर क्रीक। ठीक, तीन नाम जाना जाता। अब उसका पूछा जाता है कि पूरब में कहां तक भारत है, तो आपको भाई चूंकि यही हमारा अंतिम बिंदु है, इसका मतलब तो हमारा जो पूर्वी बिंदु है वो यहीं पर है, तो पूर्वी बिंदु को क्या कहते हैं, तो अगर पूर्वी बिंदु की बात आप करेंगे तो इसको क्या कहते हैं, वलांगू। इसी को दूसरा नाम भी है या किवियुथू। तो अब इसका यह पूछा जाता है, दूसरा यहीं पर देख लीजिए, अब देख लीजिए ये कन्याकुमारी, ये आपका इंदिरा काल, ठीक है, ये आपका गौहर मोता सर्किक, ठीक है, ये आपका वलांगू। तो यहीं से एक चीज और ध्यान रखिए, थोड़ा सा एडवांस बने रहिए, ये ध्यान रखिए कि ये किन राज्यों में स्थित है। तो अगर राज्यों की बात आएगी तो ये आपका किसमें है भैया, ये किसमें है, अरुणाचल प्रदेश। ये किसमें है आपका, आपको भी पता है पहले जम्मू कश्मीर में था, अब चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बाइफर्केशन कर दिया गया है, तो अब ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, अब किसमें आ गया, ये लद्दाख में आएगा। ठीक है, अब इस कन्याकुमारी आपका आएगा तमिलनाडु में। ठीक है, अब आपका ये जो गौहर मोता है ये कहां आएगा, ये आपको भी पता है भाई, गुजरात। गुजरात है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आपका भौगोलिक विस्तार है अगर आप इसी एक आरेख के माध्यम से आप देखेंगे, तो सारा अक्षांशीय विस्तार, आपका देशांतरीय विस्तार, ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्षांशीय विस्तार आपका उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताती है और देशांतरीय विस्तार आपकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताती है। ठीक है, तो अब हमें लगता है कि आपको ये जो चीजें लिखी जाती है न्यूमेरिकल में, वो शायद किसी एक निश्चित स्थान को इंगित करती है, वो जिस स्थान को इंगित करती है वो आपके सामने है, इसको एक बार आप पुनः देख लीजिएगा। यदि यहां पर कोई आपको दिक्कत आएगी तो आप अपने मैसेज अपने कमेंट के माध्यम से हमको अवगत कराएंगे और हम इसको आपको पुनः आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं, अब हम इसके अब देखते हैं। अब चूंकि ये हमारी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सीमाएं बड़ा पता चल गई हमें कहां तक है, तो हमें अब यह देखना है कि हमारे सीमा जो है हमारी हमारी जो बाउंड्री लाइन है वहां पे कहां से कहां तक, किस देश से कहां से हमारा क्या स्पर्श करता है। तो अगर अब पुनः एक आरेख हम खींचेंगे, और इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका है क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा एक लाइन देंगे तो ये आपको एक समझने में थोड़े समय के लिए आसानी करेगा कि यहां पे इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि हमें लिखना सिर्फ इतने पर है।
तो यहां पे चोटी ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। तो इसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पे देखते हैं, क्योंकि इधर की तरफ आपके कौन कौन से देश स्थित होंगे, तो उत्तर की सीमा को स्पर्श करने वाले देश, तो उत्तर की सीमा को जो स्पर्श करने वाले होंगे आपका चीन, आपका नेपाल और भूटान। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो देश है वो कौन कौन से हैं? चीन है, नेपाल है और भूटान है। अगर हम ये देखें कि भारत के पूर्वी दिशा में कौन कौन से देश स्थित हैं, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पे कर दे रहे हैं, यहां पर आपको मिलेगा एक आपका म्यांमार और दूसरा आपको मिलेगा बांग्लादेश। अब आइए अगर आप इधर आपको आ जाइए तो यहां पे कौन मिलेगा आपको, पाकिस्तान। और अगर उत्तर पश्चिम की बात आ जाएगी तो यहां पर एक देश आएगा जिसको हम लोग कहते हैं अफगानिस्तान। तो ये इधर पर आपका चीन, नेपाल, भूटान, पूरब पर आपका म्यांमार और बांग्लादेश, पश्चिम में आपका पाकिस्तान, और अगर उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो अफगानिस्तान। अब समस्या यहां यह किया जाती है, क्या भारत की सीमा को अफगानिस्तान स्पर्श करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि जो आज वर्तमान का हमारा लद्दाख है, जिस पर अभी पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वो हमारी सीमा वहां तक है और वहां पर हमारी सीमाएं स्पर्श करती है, इसलिए हम वहां तक की ये पूरी चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा अभिनंग है। तो ये यहां पर अब इतने देशों की से हमारे सीमाएं स्पर्श करती है, और किस रूप में, इनसे हमारी भौगोलिक सीमा लगती है, ठीक है, इनसे हमारी क्या लगती है, भौगोलिक सीमा। अब अगर इनसे हमारी भौगोलिक सीमा लगती है तो हमें यह भी अब देखना होगा कि कौन राज्य किस देश को स्पर्श करता है। तो ये इस पर भी हम थोड़ा सा जिक्र हम लोग देख लेते हैं। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि चीन की सीमा को, किसकी, चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य। तो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य की बात अगर होगी दोस्तों, तो उसमें सबसे पहले चीन, हम उत्तर से आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर सबसे पहले आप देखेंगे लद्दाख। उसके बाद अगर आप आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद अगर आप आएंगे तो उत्तराखंड, उसके बाद अगर आप आएंगे तो उत्तराखंड के बाद आप आएंगे तो देखेंगे आप सिक्किम, और लास्ट में आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा ये क्रम से रहता है, ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो कभी कभी यह पूछ लेता है कि यहां पर चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं? तो अगर कितने की बात करेंगे तो भैया गिन लो, 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। तो चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं, 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, ठीक। उसके बाद आप देखिए यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि नेपाल, आप पूरी लैंग्वेज बना लेंगे, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य, नेपाल की सीमा को कौन कौन से सूर है, ठीक है। तो अगर नेपाल की बात आएगी तो सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद आपका आ जाएगा बिहार, और उसके बाद आपका आएगा यहां पर पश्चिम बंगाल,
पश्चिम बंगाल और एक और राज्य है आपका जिसको हम लोग कहते हैं सिक्किम। ये इतने राज्य किसकी सीमा को स्पर्श करते हैं? नेपाल को करते हैं, ठीक है। इनको भी काउंट करते रहिएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद अगर आगे हम लोग देखेंगे तो इसको मैं मिटा रहा हूं। इसको भी आप देख लीजिएगा, आगे मैं ले रहा हूं। अब नेपाल के बाद अगर आप आए तो देखिए भूटान। अब अगर भूटान की सीमा को स्पर्श करने वाले बात आएगी राज, तो इसमें आपका आ जाएगा सिक्किम। उसके बाद आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका आ जाएगा आसाम। और उसके बाद आपका है अरुणाचल प्रदेश। तो ये कितने हैं? 1 2 3 4, यहां पे क्वेश्चन लिख दीजिएगा। तो भूटान की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 4 हैं। भूटान के बाद आप आ जाइए म्यांमार। अगर म्यांमार की बात की जाए तो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्यों को अगर हम देखें तो इसमें आपको देखिए सबसे पहले आपका आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका आएगा नागालैंड, उसके बाद अगर आप देखेंगे नागालैंड के बाद फिर आपका आएगा मणिपुर, और उसके बाद आप मणिपुर, उसके बाद आपका है लास्ट में आपका मिजोरम। तो म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले यहां भी देख लीजिए कितने हैं? 4 ही राज्य हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका आइए, उसके बाद कौन सा है इसको हम देखते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो इसको अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य हैं अगर इसकी आप व्याख्या करेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले देखना होगा पश्चिम बंगाल, इसको आपको पश्चिम बंगाल के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आप आएंगे आसाम, उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आपका त्रिपुरा, और उसके बाद है आपका मिजोरम। यहां पर भी देख लीजिए 1 2 3 4 5, इसका मतलब बांग्लादेश की सीमा को भी कितने राज्य स्पर्श करते हैं? और राज्यों की संख्या है कितनी है? 5 है, ठीक है। उसके बाद आपका है एक वेस्ट जो बचता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की सीमा को कौन स्पर्श करेगा? तो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला कौन सा है आपका? आपका है लद्दाख, उसके बाद आपका है J&K, पंजाब और राजस्थान तथा गुजरात। इसको भी काउंट कर लीजिए, शायद 4 आएगा, ठीक है। तो ये है जो भारत की सीमाओं को स्पर्श करने वाले हैं। एक इसमें आप और देख लीजिएगा, तो देखिए आपको अफगानिस्तान को अगर आप देखेंगे, एक राज्य आपका एक देश है अफगानिस्तान। अगर आप अफगानिस्तान के देखेंगे तो हमारा जो अभी वर्तमान का जो नया राज्य के रूप में अस्तित्व में है, इसके पहले आप देखेंगे तो एक आ जाता है अफगानिस्तान से हमारा जम्मू कश्मीर स्पर्श करता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर नहीं, अब वर्तमान का हमारा लद्दाख होगा। तो यहां पर कौन सा राज्य होगा? लद्दाख, ठीक है। तो ये भारत की सीमाओं को
इतने दुनिया के ये देश है जो भारत की सीमाओं को स्थलीय, ये कौन सी सीमाओं को, स्थलीय सीमाओं को स्पर्श करते हैं। अब ये जो स्थलीय सीमाएं भारत की सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, तो हम ये भी देखना होता है कि किसकी कितनी लंबाई है। जैसे बांग्लादेश के साथ हमारी दूरी या कितनी किलोमीटर की लंबाई है, चाइना के साथ हमारी कितनी किलोमीटर की लंबाई है, हमारे नेपाल के साथ कितनी है, भूटान के साथ कितनी है, पाकिस्तान के साथ कितनी है, अफगानिस्तान के साथ कितनी है, ये सब के बारे में देखना होता है। तो हम लोगों को भी इसको भी देख लें कि किस देश के साथ हमारी कितनी लंबी सीमा रेखा स्पर्श करती है। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। तो लिखना क्या होगा आपको, ठीक है, कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच स्थित सीमा रेखा की दूरी। ठीक है, भारत तथा बांग्लादेश, अब किसके बीच में लिखना है, भारत और बांग्लादेश। तो भारत बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है, तो उसको अगर आप देखेंगे भैया तो वो है 4096 किलोमीटर। यहां पे स्क्वायर ना लगा दीजिएगा भैया, क्योंकि ये एक रेखा होती है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा की जो दूरी है वो कितनी है, 4096 किलोमीटर। उसके बाद भारत चाइना देख लीजिए, भारत चीन के बीच की कितनी दूरी है, तो भारत चीन के बीच की अगर दूरी की बात की जाएगी दोस्तों, तो है ये 3488 किलोमीटर। ठीक, भारत चीन के बीच की सीमा रेखा की दूरी कितनी है, 3488 किलोमीटर है। ठीक है, अब अगर देखा जाए पाकिस्तान का देख लीजिए, पाकिस्तान और भारत का, या भारत पाकिस्तान का, ठीक है, तो भारत पाकिस्तान का जो आपका होगा 3223 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका देख लीजिए नेपाल का, ठीक है, थोड़ा तो अगर हम नेपाल का देखें तो यहां पर नेपाल और भारत का देखें तो नेपाल भारत का आपका है 1751 किलोमीटर। उसके बाद अगर आप म्यांमार का देखें, म्यांमार भारत का देखें, म्यांमार और भारत के बीच की जो स्थिति है वो 1648 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच की जो सीमा रेखा की जो दूरी है कितना, 1648 है। उसके बाद आपका यहीं पर भूटान का भी देख लीजिए, भूटान भारत, भूटान और भारत के बीच की जो सीमा रेखा की जो लंबाई है वो कितना है, वो 699 किलोमीटर है। उसके बाद अगर आप अफगानिस्तान का देखेंगे, अफगानिस्तान भारत का देखेंगे तो वो कितना है आपका, 106 किलोमीटर। तो दोस्तों ये आपका जितने भी देश स्थलीय रूप से भारत से जुड़े हुए हैं वो उनसे कितने राज्य स्पर्श करते हैं, और हमारे राज्यों की या हमारे देश के साथ वो जो जितनी लंबाई वो टच करते हैं उसको हमने ये क्रमानुसार लिखा है। ठीक है, क्रमानुसार, क्योंकि कभी अगर पूछे से अगर इसमें पूछता है कि भारत के साथ किस देश की सबसे लंबी सीमा रेखा होती है, तो भारत के साथ किस देश के साथ सबसे लंबी रेखा है, सीमा रेखा है, वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। अगर ये पूछा जाए कि भारत के किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा बनती है, तो कौन सी है, वो आपका अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ कितना है मात्र, 106 किलोमीटर, वही लद्दाख में है। ठीक है, वो 106 किलोमीटर कहाँ है, लद्दाख में है। तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आप इसको इसी क्रम में रखिएगा क्योंकि ये हर की है। अब इसके आगे
अगर हम आपको बताना चाहें तो आगे देखिए थोड़ा सा, अब एक चीज और आता है कि चूंकि बहुत कुछ देशों के साथ हमारी बहुत इन सारे दशक साल लगती है, लेकिन कुल देशों के साथ सीमा रेखा का एक नामकरण किया गया है, तो किस देश के साथ कौन सी सीमा रेखा है, उसका क्या नाम है, यह भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सीमा रेखा है भारत तथा चीन। तो भारत तथा चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है या उसे क्या कहते हैं, उसे कहते क्या है आपका, अगर ये देखेंगे उसे क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं मैकमोहन। ठीक है, और अगर आपसे कभी ये पूछे कि मैकमोहन रेखा कहां पर है तो उसको आप ध्यान रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। कहां पर है ये, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये किसके बीच की थी, ठीक है, भारत चीन। अब आ जाइए भारत पाकिस्तान, तो भारत पाक के बीच जो स्थित सीमा रेखा है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेड क्लिफ। उस सीमा रेखा को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ। ठीक है, अगर यह चीजें आपके कहा जाए कि भारत और बांग्लादेश, भारत तथा बांग्लादेश, तो भारत तथा बांग्लादेश के बीच क्या है, उसको क्या कहते हैं, शून्य रेखा। ठीक, शून्य रेखा या जीरो लाइन। तो ये हमारे देश की एक अगर भौतिक स्वरूप को हम लोग देखें तो इतने रूप में हमें यह देखने को मिलेगा कि किसी के साथ कितनी दूरी है, कितनी लंबाई है। ठीक है, कौन कौन से देश स्पर्श करते हैं और हमारे उस देश के, हमारे देश के कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं। उसके बाद हमने आपको देखे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लेकिन हमने दक्षिण की बात नहीं की क्योंकि हमारे देश के दक्षिण सीमा पर स्थलीय सीमा नहीं है, जलीय सीमा है, तो इसलिए कोई भी देश स्थलीय सीमा से स्पर्श नहीं करता है। जो श्रीलंका है वो हमारे देश से जलीय सीमा से जो है वो जुड़ा हुआ है, ना कि स्थलीय सीमा से। तो जो आपका मालदीव है, आपका जो श्रीलंका है, वो दोनों किससे जुड़े हुए हैं, जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं, ना कि स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। लेकिन श्रीलंका को भारत की ही क्लाइमेट, भारत की कल्चर के आधार पर सब कुछ देखी जाती है। और अगर आप श्रीलंका के बारे में जानना चाहें तो श्रीलंका को अगर देखेंगे तो एकदम दक्षिण में है, उसकी अगर आप क्षेत्रफल देखें तो आपका 65,210 वर्ग किलोमीटर है, या 65,000, कहीं कहीं 652 भी मिलता है। तो ये एक इतना ही उसका क्षेत्रफल है। और अगर हम अपने किसी एक जनपद के देखें, जो हमारा कच्छ भुज, वो 48,000 वर्ग किलोमीटर का हमारा कच्छ है और ये स्वयं 65,610 वर्ग किलोमीटर का है, तो कोई बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, तो लेकिन हम उसको आगे इसमें पढ़ते रहेंगे, तो इसको हम यहीं तक रखेंगे। ये स्थलीय सीमाओं के बाद अब हम इस बाउंड्री के अंदर जो भी बातें हैं उसका जिक्र किया जाएगा और इसके आगे हम उसमें आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा देखिए, समझिए, यदि आपको लग रहा है कि ये आपके उपयोग का है तो आप इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा। आगे हम अगला एपिसोड आपको इसके इसी क्रम में लाते रहेंगे, तब तक के लिए।